नमस्कार यूट्यूब व्यूअर्स, आप सभी लोगों को मेरा सेकेंड ब्लॉग में स्वागत है। आज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का राउरकेला एक शहर है, छोटा सा शहर, और उसी शहर में एक आर्टिस्ट रहते हैं, जो आर्टिस्ट के बारे में आज मेरा ये वीडियो है और वीडियो बना हुआ है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। ये जो वीडियो है उसमें ख़ास बात ये है कि जिस आर्टिस्ट के साथ मैं आपको मिलवाना जा रही हूँ वो ना ही अच्छा से बोल पाते हैं ना अच्छे से सुन पाते हैं, लेकिन वो काम बहुत अच्छा से करते हैं और फेमस है सूरज साहू के नाम पे। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी उनके साथ मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये एक है कि वो हिंदी में तो बात नहीं कर पाएंगे, उड़िया में बात करेंगे। मैं भी उड़िया में उनको कुछ क्वेश्चन सवाल पूछूंगी, जैसे कि हम लोग कुछ जानकारी लेंगे कि वो कहाँ, और हम लोग बहुत सारे चीज़ उनसे भी जानेंगे और जानने के लिए कोशिश करेंगे। शायद आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी मैं चाहूँगी कि आपको जैसे अच्छा से अच्छा चीज़ें उनका जो बनाया गया चीज़ें हैं वो सब दिखाऊं और आप थोड़ा समझेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, वॉच करेंगे, ये वीडियो को शेयर भी करेंगे और उनको भी ब्लेसिंग्स कीजिएगा, जिससे वो अपना काम में आगे बढ़े। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए उनसे अभी मिलते हैं। चलिए अभी देखते हैं, पहले उनसे मिलने से पहले अभी देखेंगे कि उनका जो काम, उनका जो मूर्ति का काम, आइडल का काम करते हैं और क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें। एक छोटा सा घर में बहुत चीज़ रखे हुए हैं। चलिए अभी देखते हैं। उनसे मिलने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या क्या काम करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाए हुए हैं, और ये शिव जी और पार्वती जी का मूर्ति बनाए हुए हैं, और इधर एक जो इनकम्प्लीट है वो अभी बना रहे हैं। तो उनसे कुछ सवाल पूछने से पहले, कुछ चीज़ें पूछने से पहले चलिए उनका काम थोड़ा देखते हैं। और बहुत सारे चीज़ों रखे हुए हैं और अभी वो काम में भी वो बिजी हो जाएंगे, शायद टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और काम पे लगे हुए हैं। देखिए ये भी एक आधा इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, और ये नीचे भी कुछ रखा हुआ है, ये पानी का डिब्बा में भी कुछ है उनका सामान, थोड़ा कपड़ा रखा हुआ है, और ये देखिए एक जो है चीज़ बनाया है बहुत सुंदर सा डेकोरेशन पर्पज़ में। चलिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्या क्या काम कर रहे हैं। ये जो है मूर्ति बनाए बहुत सुंदर लग रहा है, शायद आपको भी लगेगा, और इधर उनका कुछ सामान रखा हुआ है देखिए, और ये भी जो काम सब रखे हुए हैं किए हुए हैं, और उधर शिव जी और पार्वती जी का मूर्ति भी रखा हुआ है, और एक जगह पे सब चीज़ें उनका है। ये छोटा सा एक अव्यवस्था कंडीशन में है, फिर भी हम कोशिश करें, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो उनके लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं। चलिए अभी उनसे मिलते हैं। ठीक है, और डिस्टर्ब तो उनको नहीं करना है क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, तो काम उनको मिल रहा है। ये भी छोटा मोटा काम जो भी है वो कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, करके सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं ये एरिया में। चलिए अभी उनसे मिलते हैं, थोड़ा बात करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए कि उनका बातें समझ पाए। ठीक है, अच्छा ये है छोटा सा रूम उनका, देखिए अभी शायद ये काम पे लगे हैं। ये भी मैं आपको दिखा रही थी, अभी दूसरा काम कर रहे थे, अभी ये वाला उनको शायद आज फिनिश करना है। ठीक है, अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपण मूर्ति करंती? अच्छा आउ आ काम कर सीमेंट काम कुती मंगल मंगल कुती आ मंगल बेचा कुती आ माटी काम कर माटी पढा ऊपर खाली कुला हिल लब को ठाकुर को दे अंगे ये समझा रहे हैं कि आ मंगल है आ बेचा को दे। अच्छा ये देखिए, ये लिखा हुआ है इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी यूज करते हैं जबकि सीमेंट का कुछ काम रहता है, मतलब ये रंग भी करते हैं और कलर देते हैं मूर्ति को जी। अच्छा अच्छा
अच्छा, तो आपका नाम क्या है? नाम ना कौन हो? सुमेंदु साहू। सुमेंदु साहू, लोक मैंने कौन डाकती? अच्छा, कोई नगर डी ब्लॉक लोक कौन डाकती? सुबेन्दु ना सुर? सुर सुर साहू। अच्छा, आउ केते वर्ष हैला कलेनी? केते वर्ष? दि वर्ष। दि वर्ष? अच्छा, आपे आपे? आपे आपे उनको मरी जो आप लड़की नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आउ एडा केबे कर दे? अच्छा, एडा कौन हबो? सिमेंट में प्लास्टर छाकेबा गरबर का छाके में खेल बाजबो। अच्छा, आपन को सुनाओ छी केते अल्पना बेसी अल्प? अच्छा, कोई परचंती भलो? अच्छा, देखा होची? अच्छा, मतलब? अच्छा अच्छा, उनका मैं छोटे 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 फोटो देखो। फोटो? फोटो अच्छी, ये देखिए। अब देखिए आप लोग, वो बहुत सारा चीज किए हुए हैं और बहुत सारा फोटो भी रखे हैं, जो जो काम किए हैं वो निकाल रहे हैं। तब तक उनका काम थोड़ा देखिए, बारीक से देखिए आप, कितना अच्छा। मतलब भगवान ने उनको बनाया है ये सब काम के लिए, भगवान का काम ही वो ज्यादा करते हैं। और शायद वो बात का बिल्कुल उनको दुख नहीं है कि उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है, मतलब वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। देखिए अभी वो फोटो निकाले हैं, बहुत सारा चीज वो बनाए हैं। अच्छा देखिए, एक एक फोटो हम लोग देखेंगे, वो बहुत सारा काम किए हैं। बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, कितने प्यार से वो हर चीज दिखा रहे हैं। हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे उनका, बहुत सारा मे भी थोड़ा टाइम निकाल के उनका जो एक दो और काम कर रहे थे वो भी मैं वीडियो की हूँ, जो कि आपको बताऊंगी अभी उनके साथ मिलके। अच्छा, बहुत सुंदर रही थी, बहुत सुंदर। अच्छा ये देखिए, ये भी एक गणेश बना है, उसको कलर दिए हुए हैं। और ये एक जो तुलसी माँ का चोरा बनाए हैं, देखिए इतना सारा काम वो करते हैं, फिर भी वो कभी निराश नहीं होते, थकते नहीं हैं। जो भी कोई काम का ऑर्डर देते हैं वो पूरा बारीक से कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए, और एक चीज बोल रहे हैं देखने के लिए, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बढ़िया से आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये वीडियो को पसंद करेंगे, इसीलिए कि शायद बहुत सारे लोग जाने या ना जाने, लेकिन आप लोग जाने। लेकिन ये राउरकेला में काफी फेमस है सूरज साहू के नाम पे, तो उनका ओरिजिनल नाम है सुबेंदु साहू। सुबेंदु साहू के हिसाब से वो तो जानते हैं, रजिस्टर्ड है, लेकिन सूरज करके सब लोग बुलाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा नाम से बोलने से वो थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। और ये क्या क्या करते हैं और क्या क्या रंग यूज करते हैं? रंगो 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 कलंग रंग डब्बा अच्छी ना केमी रंग केमी करती डब्बा वो दिखा रहे हैं रंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे। वो कुछ पानी और ये जो है वो ब्रश ब्रश सब यूज कर रहे हैं। ये शायद इनका वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो बातचीत करना, जो भी करना, इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही हैं कि सुन तो पाते हैं थोड़ा बहुत और बोलते हैं, उनको हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए अभी दिखा रहे हैं कितना सारा ब्रशेस इधर रखा हुआ है, और एक लकड़ी का जैसे लॉग वॉक सब रखे हैं। ठीक है, डब्बा रंग का डिब्बा देखिए ये रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये पानी रखे हैं, ये रंग का देखिए बानिस का रंग है, और ये एक कलर बॉक्स है, और ये भी यूज करते हैं। थोड़ा दर्शकों को देखिए, ये वाला रंग लाते हैं, ओ क्या क्या रंग, मतलब हर चीज वो इतना इंटरेस्टेड है। मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, बहुत खुश है, क्योंकि शायद उनको आइडेंटिफाई करना सबके लिए पॉसिबल तो नहीं हुआ है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। फिर भी मैं आज कोशिश की नहीं उनका एक वीडियो बनाऊं, जो कि ऐसे टाइप के लोग भी हम लोग के साथ रहते हैं, तो जरूर हम लोग उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये मुझे
लग रहा है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी हम लोग रहते हैं, नमस्कार। अच्छा ठीक है, अभी वो अपना काम में बिजी है, शायद ये काम उनको कंप्लीट करना है। ओके, मुझे ये व्लॉग बनाने के लिए 2-3 दिन टाइम लगा, क्योंकि एक बार उनसे मिली, बात की, और उनका वर्कशॉप में सेकेंड डे गई तो काफ़ी बिजी थे, क्या कि मंदिर का एक ऑर्डर मिला हुआ था। देखिए बारीकी से कि वो काफ़ी बिजी हैं काम करने में, एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और रंग का भी कम्बिनेशन करना पड़ता है, शायद कोई गलत ना हो जाए, इसलिए मैं और कुछ पूछताछ ना करते हुए सिर्फ उनका थोड़ा सा शूटिंग की। और वो रंग का चयन भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अभी देखिए कुछ फ़ोटोज़ भी वो रखे हुए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। अभी देखिए कलर का कैसे कम्बिनेशन करके सोच के वो काम करते हैं, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझी। अभी वो कलर बक्स निकाल रहे हैं, देखिए कलर का कुछ सोच के अभी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका क्या क्या काम करते हैं। रंग तो देते हैं मूर्ति में, और जो पहले से किया गया है, कुछ पोस्टर्स भी है उनके पास, वो जस्ट हिंट्स दे रहे हैं कि पोस्टर देखने के लिए। देखिए अभी ये भी खुद अपने हाथों से बनाए हैं ड्राइंग करके, और ये तुलसी मैया का चोरा भी बनाए हैं, और एक इनकम्प्लीट मूर्ति, फिर इसके बाद भगवान का जो उसे, फिर अभी माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है महालया, फिर इसके बाद नवरात्रि, तो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर पे बना रहे थे। एक दो दिन पहले मैं ये वीडियो बनाई, और ये एक शिव जी और पार्वती जी का भी मूर्ति आप देखे थे, वो भी रखा हुआ है, शायद किसी का ऑर्डर पूरा करना है। चलिए इसी के साथ हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम सूरज साहू जी के साथ स्पेंड किए हैं, और मुझे बहुत खुशी आप भी मेरे साथ हो, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोगों को ये ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग देखिए, और जो भी कोऑपरेट कर सकते हैं आप कम से कम वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगी। और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो में कि उनको सभी लोग आइडेंटिफाई करें, भगवान अगर ऐसे इंसान को भेजें तो ज़रूर हम लोग उनको कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, फिर मिलेंगे मेरा नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड लव एंड अफेक्शन। बाय।